जो हर चीज होती है, ये हमारा आरंभाग थाना, प्रेडी थाना, ईदगाह थाना, इतना बड़े बड़े थाने हैं जिनमें 12 महीने वीआईपी मूवमेंट रहती है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ सिर्फ 80 की नफरी है जो सुबह और शाम के लिए है, और 2 मोबाइलें मुहाफिजों के लिए इतने सारे जिनका कोई काम ही नहीं है, सिर्फ सोना है, ये हमारे लिए क्या करेंगे? ये जवाब ले लेते हैं डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप आए। टू बी वेरी फ्रैंक, आपकी पूरी पार्टी के बहुत सारे लोगों को मैंने कांटेक्ट किया जो मैंडेट तो कराची का क्लेम करते हैं लेकिन आने की हिम्मत किसी नहीं। इनका दर्द आप समझ सकते होंगे क्योंकि आप निके कुछ एक्सपीरियंसेस भी हैं, एक दो वो भी बताइएगा। और मुझे ये बताएं कि ये ताजर जो हैं आज इतने तड़प रहे हैं, इतने बेकरार हैं, इनकी जान और माल और इज्जत का तहफ्फुज़ क्यों नहीं दे सकती पुलिस, क्या वजह है? पहली चीज़ तो यह है कि मैं पहले एक बिजनेसमैन हूँ, सनतकार हूँ, बाद में सियासतदान या हुकूमत का हिस्सा हूँ। यहीं इसी शहर में हम पैदा हुए हैं, यहीं सब जमा पूंजी लगाई हुई है और यहीं मरना हम, तो हम आप में से हैं पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि मैं ये जो आज हम बेबसी की या जो आज हम मायूसी की जो बातें कर रहे हैं, 10% भत्ते की रिपोर्टिंग नहीं होती। ये अहमद चुनैद साहब हैं, फिगर में बतला रहा हूँ, अगर 100 पर्चियाँ या 100 कॉल आती हैं तो 5 या 6 बड़े वो शेर के बच्चे होते हैं जो आगे बता देते हैं। अब मैं आपको बताऊँ, देखें स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट एक पुलिस का है जिसमें एंटी एक्सट्रॉर्शन एक सेल है, फॉरम वारिस जिसमें मौजूद हैं, उनका काम ही यही है सिर्फ के भत्ते के ऊपर मोबाइल के नंबर को एजेंसी से उनका लिंक है उसको ट्रेस आउट करके छापा डाल के उसको उठाएँ। मुझे भी बिजनेसमैन नहीं बतलाते थे कि ये नहीं हमारी जान को ख़तरा होगा, हमारे बच्चों को ख़तरा होगा। अरबपति 2 मैं मिलों का नाम लेके बतला रहा हूँ, मैंने उनसे कहा मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं आता हूँ, आप बतलाएं। ADM आर्टिस्टिक मिलियनर के याकूब साहब और नाच टेक्सटाइल के शबीर साहब बैड बीएसएस, उनको भी भत्ते के लिए बच्चों के रास्ते लिफाफे में गोलियाँ, ये सब जो तरीक़ेकार होते हैं, आप यकीन करें एक हफ्ते के बाद वो पैरों में पड़े हुए थे। और बहुत बड़ा नाम है बशीर कुरैशी साहब का जिनको आप जानते हैं जी, और इसमें अहमद चुनाई साहब भी मेरे साथ थे, हमने उसके नाक रगड़वाई उधर और उसके बाद उस इलाके में नज़र नहीं आए। थोड़ा सा हिम्मत करें आप लोग, इसको अगर छुपाएंगे दबाएंगे नहीं बताएंगे, मेरा नंबर आप ले मुझे बता कि आप भूल जाएं, मेरा हल्फिया वादा है कि आपका नाम कहीं नहीं जाएगा। लेकिन इसका एक मैकेनिज्म है, ये क्यों नहीं रिपोर्ट क्यों नहीं करते? आप एहतजाज करते हैं, 48 घंटे का अल्टीमेटम लेते हैं, फिर आप चुप हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, अभी भी जब मैं शो की ओपनिंग कर रही थी तो मैंने वैसे ही ऐसे ही एक रिमार्क मजाक से पास किया था, मैंने कहा भाई आप बंद करें दुकानें, एक ही दफा इसका फैसला करें कि आपने भत्ता दें, तो उन्होंने कहा जी बच्चों की फीसें कहां से देंगे। बात उनकी भी वैलिड है, वो बेचारे कब तक दुकान बंद करेंगे? ठीक है, दूसरी बात यह कि अगर ये रिपोर्ट करें तो क्या इनकी जान माल इज्जत और इनकी दुकान का तहफ्फुज की कोई गारंटी लेगा हुकूमत से? ठीक है, मैं शर्जील साहब ने एक बात कही कि हमारी मार्केट में कोई भत्ता नहीं हो सकता होता, पर्चियाँ आती है और हम फ्लैटली रिफ्यूज कर देते हैं। हमारे 4-5 लोग इंजर्ड जरूर हुए हैं लेकिन भत्ता जो है वो हमने देने से मना कर दिया है, वो जो अगर उन्होंने कहा है रिजिस्ट करते हैं। तो अगर ये भी मार्केट की है, यहीं से साथ ही मार्केट है इनकी और इसी तरह सारी मार्केटें साथ साथ हैं, तो जब इनकी मार्केट में रेजिस्टेंस आ सकता है और जो भत्ताखोर है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, तो बाकी तमाम लोग भी तो रेजिस्टेंस दे सकते हैं कि जी हम नहीं देंगे भत्ता। आज हमने भत्ता दे देकर, माजरत के साथ मैं भी आपकी तरह कारोबारी आदमी हूँ, हम लोगों ने भत्ता दे देकर इन भत्ताखोरों को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया, इतना ताकतवर बना दिया है कि उनके पास जदीद असला भी आ गया है और उनके पास इसके अलावा जरिए माश का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। इसलिए कि भत्ते में जो लाखों करोड़ों रुपए रोजाना कराची की मईशत दे रही है, कितना भत्ता कराची की मईशत से कितना भत्ता कलेक्ट हो रहा है, इसका फिगर करोड़ों में बनता है, इसका कोई एग्जैक्ट अमाउंट हम नहीं दे सकते। करोड़ों में भत्ता लिया जा रहा है, जरूर भत्ता बनता है जी रोजाना की बुनियाद पे। इसलिए कि आप हजारों मार्केटें हैं और हर दुकान से जो है जो भत्ता लिया जाता है जिसमें आज भी इतने सारे लोग बैठे हैं। अगर ये वो ये कह रहे हैं जी हमारे पास असला नहीं है, आप कह रहे हैं उनको वो रिजिस्ट करें, क्या करें, किस तरह रिजिस्ट करें? देखिए शब्बीर साहब ना, गोपलानी साहब ने भी तो एक मिसाल कायम की है ना, वहाँ पुलिस ने इनको सपोर्ट किया है, तो बाकी तमाम लोग भी मिसाल कायम करें और आगे आए, आप पुलिस इनको सपोर्ट कर सकते हैं। जी जी करना चाहूंगा, अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक वाकया आपने सुना होगा, जमशेद रोड पे दस्ती बम मार के उस फिश वाले को मार दिया गया, उसके होटल को तबाह कर दिया गया, तो ये कौन लोग कौन कैसे हिम्मत करेंगे? आप वहाँ आके पहले तहफ्फुज़ तो फराम करें, हमें वो तहफ्फुज़ फराम करें। पता चलता है एक गली दूर
थाना है, दूसरी गली में लूटमार हो रही होती है, तो इतनी गफलत है। उस गफलत के बावजूद ये कह रहे हैं कि वो भत्ता ना दें, आप मर जाएं, अपने बच्चों को अगवा करा दें लेकिन भत्ता ना दें, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप तहफ्फुज़ तो फराम ना करें। एक मुसलिमा हकीकत है कि इस वक्त कानून पूरी तरह गालिब शिकस्त खोरदा है और जुर्म पूरी तरह गालिब है। जब कानून शिकस्त खा जाए तो यकीनन जुर्म जो है पूरे एक नासूर की तरह फैल जाता है। ये वजह है कि किसी को कोई खौफ नहीं कि उसको पकड़ेगा, उसके खिलाफ कोई गवाही देगा और उसे कोई सज़ा मिलेगी। जब जुराइम पेशे अनासिर को ये यकीन हो जाए तो फिर वो जो चाहे सो करे। इस वक्त ये सूरत हाल है कि जुर्म और कानून दोनों एक हो चुके हैं और वो एक हो गए जिस तरह मुआशरे में हम लोगों को जुर्म और कानून एक हो चुके हैं। क्या मतलब आपका? एक इस तरह हो चुके हैं कि कानून खुद मुजरिम बन चुका है। हमने कितने CID सेंटर्स और ये जो तफ्तीशी इदारे हैं वहाँ से अपने ताजरों को लेकर आते हैं जिन्हें वो भत्ते के लिए उठा के ले जाते हैं। तफ्तीशी सेंटर और CID वाले? जनाब मैं बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहा हूँ। तो जब ये इदारे ये काम करेंगे तो मुझे ये बताइए नाम लें मुजरिमों से CID सेंटर से आपने भत्ते के नाम पे अपने लोगों ताजरों को उठाया। कराची में करप्ट पुलिस वालों का आप क्यों डरते हैं? कराची में जितने भी CID सेंटर्स हैं अभी चले मेरे साथ। कौन कौन है? मैं उसमें दावे के साथ कहता हूं CID के कौन कौन CID सेंटर जहां जहां पर भी है। चौधरी असलम को फयाज को किसको नाम ले आप? उन CID अफसरों का नाम ले। मैं कहता हूँ की कोई ऐसा इदारा जैसा नहीं होता। आप ना किसी को हाथ में तो भत्ता दिया होगा ना? आप ये नहीं कह सकते कि मैंने समा में भत्ता दिया था। आप जाके कहेंगे मैंने समा में जैस्मिन को भत्ता दिया था। गार्डन किसको भत्ता दिया आपने? गार्डन का CIA सेंटर है, ये हाल मौजूद है। आज सिविल लाइन का CIA सेंटर है, मिसालें मौजूद है। कोई मैं आपसे कह रहा हूँ कि CID पुलिस ऑफिसर्स कराची के आपके ताजरों को उठा के ले जाते हैं और आपसे भत्ता लेते हैं। ये बात खुल के बोलो ना, यही बात है। CID ऑफिसर्स का नाम ले। नाम ले कौन है वो CID ऑफिसर्स बेनकाब कर दे आज उनको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ क्या उठे? किसकी कॉल की है? इनको माइक दीजिएगा एक सेकंड। किसकी बताएं नाम ले मेरे भाई? CID ऑफिसर्स को उनके नाम दिए गए हैं, राइटिंग में इंक्वायरी हमने लिख के दी हुई है, उनकी इंक्वायरी हो रही है। बिल्कुल चुनाव साहब को पता है? चुनाव साहब की नॉलेज में नहीं है। कौन है वो ऑफिसर्स? DIG CID को हमने लिख के राइटिंग में दिया हुआ है, ताजिर इत्याद के बैनर में दिया गया। रोकिएगा मत, आज बहुत गलत हो जाएगा। नाम ले आप ऑफिसर्स के, नाम ले सर, नाम ले उन ऑफिसर्स के। इसका मतलब आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप इतने बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कराची के। नाम मुझे कॉपी दे उसकी। हम तो सुबह हमारे ऑफिस से ले रहे हैं। ऑफिस से हमारे ले ले, ताजिर इत्याद के ऑफिस से आपको कॉपी मिल जाएगी CID ऑफिसर्स की। अगर आपने इसकी कॉपी समा की न्यूज को ना दी तो बहुत बुरा होने वाला है। आपको मिलेगी, बिल्कुल आपको मिलेगी हमारे साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्जाम है। बात करें असल में मेरी बहन देखे मिलेगी, मिलेगी। ओके आज मिलेगी। वादा इस प्रोग्राम के बाद कराची CID ऑफिसर्स भत्ता लेने वाले जो ताजरों को उठाते हैं आज उन्हें ये बेनकाब करेंगे। सदरे मुमलिकत को ये फैक्स रात को जाएगा प्रेसिडेंट हाउस में और सुबह सदरे मुमलिकत इस पे यकीनन कोई एक्शन लेंगे, ये मेरा ईमान कहता है। डॉक्टर साहब आप इसका इसकी गारंटी लें। मुतालबा सुन ले जी, मुझे मुतालबा करते हैं आपके फोरम पे जिस तरह 15 पे मुजरिमों के खिलाफ कंप्लेंस ली जाती हैं, ऐसा एक सेंटर कायम किया जाए जो पुलिस के क्राइम के खिलाफ रिपोर्ट्स ले और हम बेनकाब करेंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा दावा है। अहमद चुनौती साहब और इख्तियार साहब आप क्यों नहीं इस पे? हाँ मैं बात कर रहा हूँ। क्या आप ये कोई बात कर, ये जो लिस्ट दे रहे हैं क्या आप इन ऑफिसर्स को की लिस्ट प्रेसिडेंट तक पहुंचाएंगे? हाँ बिल्कुल। पहली चीज तो ये है कि अभी अख्तर गोरचानी CCP का फोन आ रहा था, मैं प्रोग्राम में बैठा हूँ। अख्तर गोरचानी जो एडिशनल IG है वो कॉल करना चाहते हैं, वो मुझे कॉल मुसलसल कर रहे हैं। मैंने ये उनसे आने से पहले वायदा लिया है कि अगर किसी अफसरान के शवाहिद के साथ मुझे नाम दिए गए हम उनके खिलाफ फौरी तौर पे सुबह कार्रवाई करा के देंगे आपको। हमारा वादा अभी यहाँ से बात कर रहे हैं, अभी प्रोग्राम के बाद बात करवा के हम आपके साथ रुकेंगे। लाइव पूरी दुनिया में जा रहा है। अभी अगर आपने बेनकाब कर सकते हैं तो ये आपको मौका दिया अल्लाह ने। जान तो जानी ही जानी है, एक दिन जो लिखा है। अभी अभी बेनकाब करें उनको। मैं ये बड़े वी हैव डेवलप मैनुअल एंड ये अहमद ये
ईमेल इंग्लिश में, आप इसे जल्दी से पढ़ के नाम मुझे दे, जल्दी करें जी। आप बोलिएगा मेरे भाई। मैं हमारे साथ कराची वालों के साथ ऐसा सिलसिला चल रहा है कि हम कराची शहर में नहीं जैसे श्रीनगर में रह रहे हैं। हम जब सुबह घर से निकलते हैं, हमारे घर वाले, हमारी वाइफ है या हमारी बहन है, हमें ऐतल कुर्सी पढ़कर हमारे ऊपर फूंक मारती है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है, ताकि बाहिफाजत हम अपने घरों को जा सकें। हम बिल्कुल यहाँ महफूज नहीं है। खुदा रहा, हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, और बेग साहब बैठे हुए हैं, चिनाय साहब बैठे हुए हैं, हमारे बड़े लीडर अतीक मीर साहब बैठे हुए हैं। आगे आ जाएं आप भाई मेरे, जिससे बात करनी है जी। बोले, इनको दे माइक, इनको इजाज़, इजाज़। अरशद नाम है जी, अरशद। देखे, हम दुकान खोलते थे 9:30-10 बजे दुकानें खोलते थे हम, और अब हम दुकानें खोल रहे हैं 4 बजे और 7 बजे दुकानें बंद करके भाग जाते हैं। अम्मी फोन करती है जल्दी आ जाए घर पे, अभी भी परेशान है, 2 दफा फोन आ चुका है मेरा, अभी तक नहीं आई। इनको दे माइक, इनको दे, ठीक है, असला हमें दे दे, हम कह रहे हैं नहीं नहीं असला दे, ये हालत हो गई, असला मांग रहे हैं वो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा ताल्लुक हाल कराची ताजिर इत्तेहाद का सदर हूँ, लियाकताबाद ताजान मार्केट अलायंस का भी सदर हूँ। मैं इख्तियार बेग साहब से, चुनाई साहब से पूछना चाहता हूँ कि 70% हम रीनो देते हैं, हमें 10% भी तपुस फराम नहीं किया जाता। दूसरी बात यह है कि जितने मिनिस्टर हैं, पुलिस उनकी हिफाजत के लिए है या ताजिरों की हिफाजत के लिए? मेरा सवाल ये, कब तक जो नाम हम ताजिरों की लाशें उठाते रहेंगे, कब तक जो नाम बच्चे देते रहेंगे, कब तक जो ना हमारी माएँ बहनें जरा बेवा होती रहेंगी, ये चीज होते रहेंगे। शेरशाह का वाक्य हुआ लियाकताबाद के अंदर, तकरीबन जो ना पूरे जो ना एक महीने के अंदर है ना तकरीबन 400 ताजिरों को कत्ल कर दिया गया, उनसे करोड़ों रुपए बच्चा ले गया। मेरी निगाह में हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई है, अदम तपुत का शिकार है। दूसरी बात यह, जहाँ से लोग ताजिर दूसरे ममालिक शिफ्ट हो रहे हैं, ये कितने अफसोस की बात है। मैं भी छह महीने पहले मैं उमरा करने गया, मेरी वहाँ मक्के में बात हुई, मदीना में बात हुई, किससे? ताजिरों से बात हुई, ताजिरों से। बोले बोला हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, मगर कराची में तहफूज नहीं है, कराची में लोग आप आवाज नहीं उठाते। वो कह रहे हैं भत्ता के लिए, डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी। ये मैं आ जाएं, आगे माइक पीछे दे दें चाचा, एक सेकंड माइक इनको दे दे, फिर पीछे दे दे जी। ओके, बहुत टाइम है, बेफिक्र है, इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे, ये 2 पार्ट्स में होगा। प्लीज, ये बहुत सीरियस टॉपिक है, सीआईडी ऑफिसर्स की आप लिस्ट मंगवा लें, सर कॉपी मंगवाएं। आजकल जो अगवा बनाए तावान और भत्ता माफिया जो है एक इंडस्ट्री की हैसियत अख्तियार कर गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हालात पैदा कर दिए गए हैं कारोबार के लिए, कारोबार तो बिल्कुल तबाह कर दिया है। कराची में सिर्फ 30% कारोबार रह गया है, हर आदमी खौफ में बैठा रहता है। जहाँ मोटरसाइकिल पे 2 बंदे आते हैं, समझ डर लगता है कि कस्टमर हैं कि लुटेरे हैं। गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में पीछे से 2-4 अगर मोटरसाइकिलों पे 2-3 बंदे अगर बैठे हुए आ जाए, उस वक्त खौफ आता है, और ख़ास तौर पर जब सिग्नल्स पे खड़ी होती हैं गाड़ियाँ, तो ये सिलसिला तो बहुत ख़राब नज़र आ रहा है। और आगे आने वाले एक छोटा सा नहीं, आने वाले रमज़ान से पहले कोई 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 इंशाल्लाह ताला कुछ करना होगा, शहर को बचाना होगा, लेकिन आपको भी हिम्मत करनी होगी। आपको अगर हिम्मत नहीं करेंगे तो यही हालात रहेंगे। सर मुझे एक छोटा सा वक्फा लेने दे, उसके बाद मैं चाहती हूँ डॉक्टर साहब और चुनौती साहब जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब प्लीज़ आप DIG साहब की अगर कॉल ले कर सकें इस ब्रेक के बाद। नाजरीन, आप मुझे वो लेटर मंगवा के दें कॉपी, ये बहुत बड़ी आपने सर उसमें नाम है। पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी, ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट, जानते रहना लाजमी है।